बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। अंबेडकर पीपल्स वॉइस। बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय है और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर एक निर्देश जारी किया गया है। जिला पंचायत के विधानसभा चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी की अधिकृत जो प्रत्याशी सूची है उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी का झंडा, बहुजन समाज पार्टी के नेता का फोटो या पार्टी का नारा या इस तरीके का पोस्टर यूज करता पाया जाता है तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहुजन समाज पार्टी ने इसको लेकर कई सारे लोगों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी निर्देशों के अंदर साफ तरीके से कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की और बहुजन समाज पार्टी के, आपको बता दें कि झंडे की और बहुजन समाज पार्टी के नारों की कोई भी व्यक्ति तब तक कॉपी नहीं कर सकता जब तक, आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से उसकी परमिशन नहीं मिल जाती या अधिकृत प्रत्याशी सूची के अंदर उसका नाम नहीं है। इसको लेकर आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी ने कई जिलों के कई सारे पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया और कई लोगों को पदों से भी, विभिन्न पदों से भी हटा दिया गया है। यानी कि पार्टी के खिलाफ या पार्टी के विरुद्ध झंडा इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पार्टी बिल्कुल भी हिचक नहीं रही है। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।